नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं हिंदी का समाज, समाज की संस्कृति इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। डॉक्टर ओम निश्चल इस पुस्तक के रचनाकार हैं और उनका यह मानना है कि हिंदी भाषा को उसका महत्व मिलने के लिए, उसका जो स्थान है वहाँ तक पहुँचाने के लिए साहित्यकारों की, आलोचकों की, लेखकों की, पाठकों की, सबकी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इन सब के बीच समाज सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है और वे इस बात का ताना भी देते हैं इस पुस्तक में कि हमारा समाज लगभग भाषाहीन समाज है। एक ऐसा समाज जिसे अपनी भाषा को लेकर कोई गौरव का भान नहीं है। हम भाषा पर न तो गर्व करने की कोशिश करते हैं और न ही उसके शुद्धता पर ध्यान देते हैं। हम अपनी भाषा को सीखना और जानना भी नहीं चाहते। और खास बात यह कि भाषा की दुकानदारी करने वाले या भाषा को लेकर जीने वाले आलोचक, लेखक दूसरों की पराई पूंजी की मलाई खाने के अभ्यस्त हो गए। वे पढ़ना लिखना नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि वो जो भी लिखें उसे पाठक हाथों हाथ ले, लेकिन उसके लिए उन्हें कोई विशेष श्रम उद्यम ना करना पड़े। अज्ञेय ने कभी कहा था कि हिंदी को पाकर आपने केवल एक भाषा नहीं पाई है बल्कि भारत के हृदय की कुंजी पाई है। उसके जीवन मूल्यों की पहचान कर उसकी स्वतंत्र कर्मिता का बोध की पहचान का साधन पाया है। लेकिन कितने लोग हैं जो इस बात को समझते हैं? हिंदी की लगातार क्षति हो रही है और हम इस देश में न तो हिंदी का एक सुसंस्कृत समाज बना पा रहे हैं, न ही समाज की संस्कृति में इस भाषा को रोप सकें। यही वजह है कि नई पीढ़ी लगातार अंग्रेजी की ओर उन्मुख हो रही है और अंग्रेजी की समझ को ही ज्ञान का मूल माध्यम मान रही है। हिंदी में रोजगार के साधन कम हैं, केवल इसके सांस्कृतिक पक्ष के गुणगान से बात नहीं बनेगी। यानी हिंदी को बेशक बाजार के रूप में आपको स्थापित करना पड़ेगा, संपादन, अनुवाद, डबिंग, एडिटिंग, फिल्म लेखन, गीत लेखन, संचालन, प्रकाशन आदि के क्षेत्रों में हिंदी को लेकर आगे बढ़ना होगा। यह पुस्तक निबंध का एक संकलन है जो लगातार ओम निश्चल जी लगातार इन विषयों को उठाते रहे हैं, लिखते रहे हैं। जो लेख इनमें सम्मिलित हैं मैं केवल उनकी बात कर दूं। ये पुस्तक दो हिस्सों में बटी है। हिंदी का समाज एक खंड है और इसके अलावा समाज की संस्कृति है। हिंदी का समाज, समाज की संस्कृति, भाषा की अस्मिता और अज्ञेय, भाषा चिंतन और रामविलास शर्मा, बाजार की हिंदी बनाम हिंदी का बाजार, क्या सूख रही है हिंदी की सदा नीरा, विश्व वसुधा में हिंदी, हिंदी और आठवीं अनुसूची, विवाद और प्रत्याख्यान, औचित्य हिंदी दिवस का हल्ला, हिंदी का काम अंग्रेजी का, हिंदी पर अंग्रेजी की प्रेत छाया, साहित्य में राष्ट्रीय चेतना, हिंदी का वाचिक संसार और कविता, गांधी जीवन एक अकिंचन इच्छा की विराट फलश्रुति, गांधी के उच्चादर्श और हम, प्रार्थना प्रवचन, गांधी की हिंदी, गांधी और दिनकर। ये निबंध हिंदी का समाज में है। समाज की संस्कृति में जो लेख उस खंड में सम्मिलित हैं वे हैं आज़ादी, साहित्यकारों के स्वप्न, फागुन के रंग और ब्रज माधुरी, एक एहसास का नाम है फागुन, साहित्य में नमान्न की खुशबू, ज्योति कलश छलके, विश्व हिंदी दिवस गीत, भाषा तो बस वही है, हिंदी के महात्म्य पर कुछ सवैये, हिंदी दिवस गीत, आओ लगाएं अक्षत माथे पे उसके रोली, हिंदी के चेहरे पर चांदी की चमक और पूरा देश सुनो गाता है फिर हिंदी का गाना। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी को लेकर ओम निश्चल जी ने लिखी है और इस पुस्तक को सर्वभाषा प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 450 रुपये है और हिंदी सेवियों के लिए, जो लोग भी हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिंदी में काम करना चाहते हैं, हिंदी को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक झकझोर देने वाली यह पुस्तक है। इस पुस्तक को निश्चित रूप से खरीद कर पढ़ना चाहिए। यह हिंदी पर लेकर हो रहे विमर्श को एक नया
वितान देती है, नया मकाम देती है, एक नया ऊंचाई देती है और हर व्यक्ति को जो हिंदी से जुड़ा है यह सोचने के लिए बाध्य करती है कि आखिर हम लोग हिंदी को लेकर कैसे आगे बढ़ें, उसे उसका उचित स्थान कैसे दिलवाएं, ताकि हिंदी न केवल राष्ट्र गौरव और राष्ट्रभाषा के रूप में समादृत हो बल्कि जन जन की भाषा बन सके, रोजगार की भाषा बन सके, अस्मिता की भाषा बन सके और पहचान की भाषा बन सके। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुँचूँ ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूँगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।